हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले एस सी आर टी दिल्ली डाइट 2020 की। तो गाइस यहाँ पे जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर, गाइस उस पर एक अपडेट आ गई है, वो अब आपका स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है गाइस, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन गाइस आपको उससे पहले एक चीज़ ज़रूरी जान लेनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं गाइस, ऑनलाइन काउंसलिंग की अपडेट आनी थी वेबसाइट पर, यहाँ पर टाइम दिया था आपका 29 तारीख को 5 बजे, लेकिन यहाँ पे कोई अपडेट नहीं आई है वेबसाइट पे। तो गाइज़ अभी भी कोई अपडेट नहीं आई है। अपडेट कहाँ है गाइज़? आपको अपडेट चेक करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अपने लॉगिन डैशबोर्ड पे जाना होगा, ठीक है। और इसके लिए गाइज़ हम कैसे जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर DLED DPSC, ठीक है गाइज़। इस पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हम DLED एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एक मिनट रुकिए यहाँ पे। तो गाइज़ जैसे ही आप अपना क्लिक कर देंगे DLED कोर्स पर, यहाँ पर आपका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, और नीचे यहाँ पे आपका एक सिक्योरिटी पिन दे रखा होगा गाइज़, आपको यहाँ पे इसे कॉपी करके यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। आप इसको चाहे तो पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आपको इसको डालना होगा। और इस पर डालने के बाद गाइज़ आपको साइन इन के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको बड़ा सा ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइज़। आपको ऑप्शन अब आपके देखने को मिल जाएगा आपके डैशबोर्ड पर, न्यू करके वो आ रहा होगा, ठीक है गाइज़। वहाँ पर लिखा होगा ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर की जो आपको रिक्वेस्ट सेंड करने का होगा, ठीक है गाइज़। उस पर आप क्लिक करेंगे, तब आप जाके अपनी फीस पेमेंट करने के बाद अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग की जो रिक्वेस्ट है उसे सेंड अप कर पाएंगे गाइज। इसीलिए मैंने एक दिन आपसे एक वीडियो में कहा था, कोई भी अगर बच्चा हमारी हेल्प कर सकता है अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर बता के, तो हमारी हेल्प कीजिएगा। ताकि क्योंकि हमें पता है कई बहुत सारी ऐसी अपडेट होती है जो आपके लॉगिन डैशबोर्ड पर ही आती है। और देखिए गाइज, अब हमारे पास किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड तो है नहीं जो मैं आपको आगे का प्रोसीजर दिखा पाऊँगी, आपको कैसे अपना ये ऑनलाइन काउंसलिंग की रिक्वेस्ट भेजनी है। तो इसलिए गाइज मैं आज की वीडियो में भी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी एक बच्चा, मैं नहीं कह रहा, जितने इस बंदे वीडियो को देखें वो सभी करें, कोई भी एक अगर हमारी हेल्प कर सकता है, नीचे आपको पिंड में एक ईमेल आईडी देखने को मिलेगी गाइज, अगर कोई भी हमें हेल्प कर सकता है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड देके तो वो कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा उसकी रैंक 1 होनी चाहिए या फिर उसकी रैंक 100 होनी चाहिए, चाहे उसकी रैंक गाइज 10,000 हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। वो अपना हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर वो प्लीज़ सेंड कर सकता है, सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, तो प्लीज़ वो सेंड करिएगा ताकि हम इस पर और एक अच्छे से सेपरेट वीडियो बना सकें। तो आपको इस वीडियो में मैं यही अपडेट देने आया हूँ कि आपका जो ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर है गाइज़, वो स्टार्ट कर दिया गया आपके लॉगिन डैशबोर्ड पर। लेकिन गाइज अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, आप टेंशन मत लीजिएगा, कई बच्चों के डैशबोर्ड पर अभी शायद ऐसा ऑप्शन ना भी आए, क्योंकि अभी कभी यह गाइज स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे सबके डैशबोर्ड पर उपलब्ध हो जाएगा धीरे धीरे करके। और अगर आपके अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप टेंशन ना लें, जल्दी आपके लॉगिन डैशबोर्ड पे भी ऑप्शन आ जाएगा ऑनलाइन काउंसलिंग का, ठीक है। आप वेट करिएगा, और अगर जिन पे कोई भी तब भी और भी कोई डाउट है आपका, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी अगर हेल्प कर नहीं हो तो गाइज प्लीज़ हमें करिएगा, आपको नीचे ईमेल आईडी मिल जाएगी हमारी, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।